हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हमारे वेब स्क्रैपिंग का जो कोर्स है उसका उसके टास्क फोर के सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं टास्क फोर पढ़ देता हूँ और हम समझते हैं कि हमें टास्क फोर में क्या करना है। तो अब हमने मूवीज़ की लिस्ट से एक अच्छे से स्ट्रक्चर में उनकी डिटेल्स निकालने का स्क्रैपर तो लिख लिया है, स्क्रैप टॉप लिस्ट, जो हमने टास्क वन में एक फंक्शन लिखा था स्क्रैप टॉप लिस्ट नाम का। ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे तो हर टॉप रेटेड इंडियन मूवीज़ वाली लिस्ट में हर मूवीज़ का एक अलग लिंक दिया हुआ है। ठीक है, जैसे अगर वो लिंक अगर हमें देखना है तो देखो, ये टॉप रेटेड इंडियन मूवीज़ 250 मूवीज़ है, तो इस मूवीज़ की अलग लिंक है। यानी ये जो आनंद नाम की मूवी है ना, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो दूसरे लिंक को ओपन कर देता है ना, दूसरे पेज पर चले जाता है। यानी इस इसके अंदर हर मूवी की डेप्थ में डिटेल है इस लिंक में। हम आगे पढ़ते तो हम समझ जाएंगे। ठीक है, इस लिंक पेज पे उस मूवी की सारी डिटेल्स डेप्थ में लिखी हुई है। इस टास्क में हमने एक और फंक्शन लिखना है जो उस मूवी के सारी इंडिविजुअल डिटेल्स निकालेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो मुझे इसकी डेप्थ में इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। ठीक है, जैसे कि अब ये ओपन हो रही है लिंक। ठीक है, ये ओपन हो चुके हैं, तो यहाँ पे डेप्थ में डिटेल दी है, जैसे कि कौन सी स्टोरी लाइन क्या है, डिटेल्स, सारी चीज़ें, किन किन का लोगों ने काम किया, किस डायरेक्टर ने उसको बनाया, राइटर ने लिखा। ठीक है, नाम क्या है उसका, रन टाइम, जोनर, ठीक है, कब रिलीज़ हुई, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है डेप्थ में। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस फंक्शन का नाम स्क्रैपर मूवी डिटेल्स होगा, स्क्रैप मूवी डिटेल्स। ठीक है, एक हमें ऐसा फंक्शन बनाना है जिसका नाम स्क्रैप मूवी डिटेल्स है। इस फंक्शन में एक पैरामीटर हम लेंगे जिसका नाम है मूवी URL। ठीक है, और इस फंक्शन को एक डिक्शनरी रिटर्न करनी होगी। इस डिक्शनरी का स्ट्रक्चर नीचे दिया हुआ है, अगर आप ये कोड आनंद मूवी के लिए चला रहे हो तो वो फंक्शन नीचे दी हुई डिक्शनरी रिटर्न करेगा। यानी हमें एक ऐसा कोड लिखना है जो 250 मूवीज़ के लिए हम चला पाए, और जब हम किसी एक मूवी के लिए चलाएंगे तो उसका पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा। जैसे अगर आनंद के लिए चलाएंगे तो आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा, या फिर अंधाधुंध के लिए चलाएंगे तो कुछ अलग आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 कीज़ है। ठीक है, और हर कीज़ के कुछ वैल्यूज़ है, और उन वैल्यूज़ का डेटा टाइप अलग अलग है। जैसे नेम जो की है उसकी वैल्यू आनंद, उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग, और डायरेक्टर की जो वैल्यू है उसका डेटा टाइप है लिस्ट, फिर कंट्री की जो वैल्यू है उसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग, फिर लैंग्वेज की लिस्ट, पोस्टर इमेज का जो URL है उसका स्ट्रिंग, फिर बायो जो है उसका स्ट्रिंग है, रन टाइम जो है इंटीजर के फॉर्म में है, जोनर जो है इसका डेटा टाइप लिस्ट है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है व्हेन राइटिंग अ कोड फॉर दिस फंक्शन। तो इसमें पहली वाला तो यही है कि हमने उसके डेटा टाइप्स को चेक करना है कि कौन कौन से डेटा टाइप्स है। ठीक है, और जोनर, और दूसरा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जोनर में एक लिस्ट ली है। लिस्ट लेने का कारण यही है कि कुछ मूवीज़ का जोनर सिर्फ एक ही है, जैसे आनंद मूवी का जोनर है सिर्फ ड्रामा, पर अंधाधुंध जैसी मूवी उसमें रोमांस है, ड्रामा है। ठीक है, यानी जोनर्स मल्टीपल जोनर्स है, तो मल्टीपल जोनर्स के लिए हमने यहाँ पे लिस्ट ली है। वैसे डायरेक्टर्स भी जो है यहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में है, क्योंकि एक फिल्म के जैसे आनंद के लिए सिर्फ एक ही डायरेक्टर है, पर अगर तारे ज़मीन पर वगैरह आप वगैरह ऐसे कुछ फिल्म्स है तो उनका अगर आप देखोगे तो उस पर मल्टीपल डायरेक्टर्स है, दो या तीन डायरेक्टर्स है। तो हर डायरेक्टर ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कई फिल्म्स के मल्टीपल डायरेक्टर्स हैं, इसलिए हमने यहाँ पे वो लिस्ट लिया है। या फिर लैंग्वेज है, कुछ मूवीज़ हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है, तो इसके लिए उसका भी डेटा टाइप जो है लिस्ट है। और रन टाइम जो है हमारा, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रन टाइम यहाँ पे 2:02 दिया है, मतलब 2 hour 2 minutes, पर हमने सिर्फ इसको डायरेक्ट मिनट में कन्वर्ट कर लिया है। और वो स्ट्रिंग है तो उसको कन्वर्ट करके हमने इंटीजर के फॉर्म में यहाँ पे लिखा है 183, और वो मिनट्स है 183 मिनट्स, और यहाँ पे 2h, यानी ये तो पूरा एक स्ट्रिंग है पर उसको हमने कन्वर्ट कर लिया मिनट्स में, और उसको फिर हमने कन्वर्ट किया है
इसमें इंटीजर में, और जोनर के बारे में तो मैंने बता दिया। बायो तो हमारा स्ट्रिंग ही होगा, और पोस्टर इमेज यूआरएल वो भी हमें एक स्ट्रिंग के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो अब हम इसका सोल्यूशन कैसे होगा और हम कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे इस पे आते हैं। तो मैं आपको मेरा कोड दिखा देता हूँ, ठीक है, जो मैंने टास्क फोर के लिए लिखा है। अगर आप थोड़ा ऊपर जाओगे तो ये मेरे टास्क वन का कोड है। ठीक है, हम टास्क वन के कोड का यूज़ करेंगे टास्क फोर के इस फंक्शन में। वो कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है स्क्रेप मूवी डिटेल्स नाम का, तो उसमें मैंने एक पैरामीटर पास किया है मूवी यूआरएल नाम का। ठीक है, फिर जैसे हम हर बार करते हैं कि हमने एक रिक्वेस्ट जो हमें यूआरएल मिलेगा उसके ऊपर हम गेट रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट गेट जो है इस मॉड्यूल को हम कॉल करेंगे और उसमें एज अ आर्ग्यूमेंट वो यूआरएल हम पास करेंगे। फिर उसके बाद हमने ब्यूटीफुल सूप का यूज़ किया है, जो हमें रिक्वेस्ट गेट से जो हमें एचटीएमएल का कोड मिलेगा उस एचटीएमएल के कोड को हम एचटीएमएल पार्सर की मदद से रिजॉल्व करके हमें जो डेटा चाहिए उस डेटा को इजीली स्क्रैप कर लेंगे। ठीक है, तो हम वन बाय वन लाइन इस कोड को आईपाइथन के शेल में एग्जीक्यूट करके समझते हैं कि कैसे ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फंक्शन का अगर आउटपुट देखना है तो हमें एक यूआरएल की ज़रूरत होगी। तो मैं ये फ़िलहाल एक मूवी की यूआरएल जो है उसके लिए, किसी एक मूवी की यूआरएल उसके लिए ये कोड लिखूँगा। तो जैसे मैंने, अगर आप नीचे आओगे पूरा जहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल किया है, तो मैंने वहाँ पे एक यूआरएल वन नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने स्क्रैप जो है मेरा, ये स्क्रैप जो है मैंने यहाँ पे मेरा जो फंक्शन फर्स्ट टास्क वन का जो फंक्शन हमने लिखा था स्क्रैप टॉपलेस उसको कॉल किया है स्क्रैप नाम के वेरिएबल में। इसलिए मैंने स्क्रैप का ज़ीरो इंडेक्स यानी जो फर्स्ट डिक्शनरी आएगी आनंद की, हम उसके यूआरएल को यहाँ पे निकालेंगे, यानी यूआरएल वन में वो यूआरएल स्टोर हो जाएगा। फिर मूवी डिटेल्स नाम के वेरिएबल में मैंने स्क्रैप मूवी डिटेल्स से उस यूआरएल वन का जो यूआरएल आ रहा है मैंने एज ए आर्ग्यूमेंट उसे पास कर दिया, ताकि ये टास्क फोर का हमें कोड चला सके और हम आउटपुट देख सके। और मैंने लास्ट में उससे प्रिंट कर दिया मूवी डिटेल्स को। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें आईपाइथन के शेल में एग्जीक्यूट करके देखेंगे कैसे ये कोड चल रहा है। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल एक फंक्शन लिख लेता हूँ आईपाइथन के शेल में। ठीक है, तो हम ये फंक्शन लिख यहाँ पे यहाँ से कॉपी करेंगे। आपको पता है कि रिक्वेस्ट क्या करता है या फिर ब्यूटीफुल सूप क्या करता है, इसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है, तो हम ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे फिर इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करने में। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर यहाँ पे जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया है टाइटल डिव नाम से। ठीक है, टाइटल डिव में वेरिएबल में मैंने सूप को कॉल किया, फिर सूप डॉट फाइंड किया एक ऐसे डिव को जिसका जिसकी क्लास है टाइटल व्रैपर, और उसमें से हमने एच वन टैग को फाइंड किया और उस पर गेट टेक्स्ट कर दिया जिससे हमें टाइटल मिला। वो कैसे मिला हम देखेंगे। पहले तो हम उस डिव को ढूंढेंगे हमारे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा IMDB का जो वेब पेज है उस पेज पे आए, हमने इसको इंस्पेक्ट कर लिया F2L से। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि हम कैसे उन पैटर्न्स को ढूंढते हैं फिर उन टैग्स को ढूंढते हैं, तो वो है यहाँ पे जो ये कर्सर है हम इसे एनेबल कर देंगे। जैसे एनेबल करते हैं तो ये ब्लू ब्लॉक जो है हमें मिल जाता है। तो हमें पहले तो मूवी का नेम निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस मूवी का नेम जहाँ पे हमें दिख रहा है उस पे वो कर्सर ले गए, तो आनंद जो मूवी है वो H1 टैग के अंदर है। पर सिर्फ H1 टैग का पता होना काफ़ी नहीं है, क्योंकि एक पूरे पेज में बहुत से H1 टैग्स होंगे,
इसलिए हमें उस पर्टिकुलर डिव का पता होना ज़रूरी है जिसके अंदर ये H1 टैग है या फिर ये मूवी का नेम है। तो हम थोड़ा कर्सर ऊपर ले जाएंगे तो हमें वो डिव भी मिल जाएगी। तो डिव का नाम है टाइटल ब्लॉक। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे राइट साइड में वो डिव यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। फिर हम उस टैग को जो है, ये जो डिव टैग है, हम इसे ओपन करेंगे। जैसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे और एक डिव है टाइटल बार ब्रैपर नाम की, ठीक है, जिसके अंदर अभी भी हम देख रहे हैं कि इसके अंदर वो मूवी का नेम है। अगर इसको ओपन करेंगे तो और भी कुछ डिव्स है जिसमें रेटिंग रैपर है, टाइटल बार है। तो टाइटल बार के अंदर अगर हम लेकर जाए कर्सर को तो उसके अंदर वो शायद हमें H1 टैग मिल जाए। फिर अगर हम प्राइमरी रिबिन नाम का एक डिव है जिसमें सिर्फ रिबिन दिख रही है और टाइटल रैपर, ठीक है, जो मैंने वहाँ पे लिखा था, अगर इसको हम खोलेंगे, अगर इसके अंदर H1 टैग मिलेगा तो हमें शायद हमें हमारे मूवी का नेम मिल जाए। तो यहाँ पे H1 टैग है, ठीक है। तो इस H1 टैग के अंदर आनंद मूवी जो है, ठीक है, वो लिखा हुआ है आनंद, ठीक है, यानी हमने वो डिव फाइंड कर लिया जिसके अंदर हमें उस मूवी का नेम मिलेगा, वो है H1 टैग और उसकी डिव है टाइटल रैपर। तो वही मैंने कोड में लिखा है, अगर आप गौर से देखो तो टाइटल डिव सूप डॉट फाइंड एक ऐसी डिव जिसकी क्लास टाइटल रैपर है और हम H1 टैग के ऊपर गेट टेक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस कोड को चलाता हूँ पाइथन के शेल में। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि पहले टाइटल डिव क्या रिटर्न कर रहा है या फिर H1 टैग क्या रिटर्न कर रहा है, फिर गेट टेक्स करने पे क्या आ रहा है। तो ठीक है, तो मैं रिटर्न करता हूँ टाइटल डिव को, ठीक है। अब मैंने टाइटल डिव को यहाँ पे रिटर्न किया है। अब हम एक URL नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे स्क्रैप टॉप लिस्ट जो हमारा फंक्शन है उसको कॉल नहीं कर रहा ताकि थोड़ा कोड लेंदी हो जाएगा, पर मैं शॉर्टकट में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हम पहले लिंक कॉपी कर रहे हैं, यानी अगर ये सेम कोड अगर इस मूवी के लिए चल गया, यानी ये सेम कोड हम किसी भी मूवी के लिए चला सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से प्रिंट करूँगा, यानी फंक्शन कॉल करूँगा, जैसे मैं फंक्शन कॉल करता हूँ शायद मेरे रिक्वेस्ट को मैंने इंपोर्ट नहीं करवाया, इस वजह से वो एरर आ रहा है। पहले रिक्वेस्ट को भी इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। हम इसके बाद ब्यूटीफुल सूप को भी इंपोर्ट कराएंगे जो कि हम भूल गए थे इंपोर्ट कराना। ठीक है, अब हम वो कोड चलाएंगे फिर से, ठीक है, ये हमारा कोड। इसके बाद हमने एक URL नाम का वेरिएबल लिया जिसमें हमने वो URL डाल दिया, ठीक है। अब हम उसे प्रिंट करवा के देखेंगे जो चीज़ हमें रिटर्न करनी है। तो अगर जैसे हम इसको कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको दिखेगा कि ये डिव है टाइटल रैपर का, इसके अंदर H1 टैग है, स्पैन टैग है, एक क्या कहते हैं एंकर टैग है। तो ये पूरा डिव जो है अगर आप उस वेब पेज पे भी देखोगे तो सेम डिव आपको यहाँ पे भी दिखेगा, जैसे टाइटल रैपर ये जो डिव है, तो ये डिव यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर इस डिव पे अगर हम जाए तो ये डिव यहाँ पे ख़त्म होता है। इस डिव के अंदर जितनी भी चीज़ें हमें हमारे टर्मिनल पे भी दिख रही है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि देखते और क्या क्या कर सकते हैं हम इसमें। तो अब हम इसमें H1 टैग सिर्फ फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर आपने सिर्फ थोड़ा ऊपर देखा होगा तो H1 टैग के अंदर आनंद है मूवी का नेम, दिस ये लाइन, ठीक है। तो हम उस H1 टैग को हम फाइंड करेंगे। तो मैं आ गया फिर से अपने फंक्शन पे, डॉट H1 करते ही मुझे H1 टैग मिलेगा, ये आपको पता है। फिर मैं डॉट गेट टैग्स करता हूँ जाकि H1 टैग के अंदर
जो भी टेक्स्ट है वो हमें मिल जाए, ठीक है। और रिटर्न करेंगे हम फिर से टाइटल डिव को, ठीक है। और हम अब प्रिंट करते हैं, तो जैसे ही हम टाइटल डिव को प्रिंट करेंगे तो हमें आनंद ये जो है मूवी का नेम तो मिल गया और साथ ही साथ उसका ईयर भी मिल गया, पर हमें ईयर की ज़रूरत नहीं है, तो हमें इसमें से इस ईयर को हटाना है और सिर्फ हमें आनंद मूवी को ही अपने जो इस वेरिएबल में स्टोर कराना है। तो इसके लिए हमने थोड़ा कोड आगे लिखा है, कि मैंने आगे कोड क्या लिखा है कि मूवी नेम नाम की नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया है कि ये जो टाइटल डिव में जो हमें स्ट्रिंग मिल रहा है ये, ठीक है, ये आनंद या फिर इतना बड़ा जो स्ट्रिंग है, उस पर मैंने एक लूप चलाया फॉर आई इन टाइटल डिव इफ़ पैरेंथिसिस ओपन पैरेंथिसिस, ठीक है, या फिर ओपन राउंड ब्रैकेट इज नॉट इन आई, अगर आई के अंदर ये नहीं होगा, ठीक है, तब तक क्या होगा कि आई मूवी नेम में प्लस होते जाएगा और हम उस पर स्ट्रिप कर देंगे। स्ट्रिप इसलिए किया, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्पेस भी है, तो इससे इस ओपन राउंड ब्रैकेट से पहले स्पेस भी इसमें ऐड हो जाएगा, पर हमें स्पेस की ज़रूरत नहीं है इसलिए हमने स्ट्रिप लगा दिया। पर अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जैसे उसे ये ओपन राउंड ब्रैकेट मिलता है तो लूप ब्रेक हो जाएगा, तो हमारे मूवी नेम में जो है हमें जो नेम चाहिए मूवी की वो स्टोर हो जाएगी, ठीक है। हम इस कोड को चला के देखते हैं, तो मैं यहाँ पे ये इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। वन बाय वन लाइन लास्ट में हम इसका आउटपुट देखेंगे, क्या हमें आनंद सिर्फ आनंद मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। ठीक है, अब हम इसे रिटर्न करवाएंगे मूवी नेम, ठीक है। चल इंडेंटेशन एरर है थोड़ा सा, ठीक है। मैं फिर से इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, जैसे मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा अगर आप देखोगे तो आनंद जो है ये आउटपुट मुझे मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। इसके आगे कुछ भी नहीं है, वाइट स्पेसेस भी नहीं है, सिर्फ आनंद है, ठीक है, यानी हमारा ये कोड सही है। अब हमने नेम तो फाइंड कर लिया, जैसे हमारे अगर आउटपुट में देखोगे तो हमने नेम फाइंड कर लिया है, ये नेम हमें अभी डायरेक्टरी डायरेक्टर कंट्री लैंग्वेज पोस्टर इमेज यूआरएल ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम फिर से कोड पे आते हैं, हम आगे क्या फाइंड करेंगे, हम या आगे रन टाइम जोनर और कुछ चीज़ें फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इन दिस डिव वेयर आई गेट ऑल द अदर थिंग्स लाइक रन टाइम जोनर एंड मोर, तो वो कौन सी डिव है जिसमें मुझे रन टाइम भी मिला जोनर भी मिला, तो वो है सब डिव नाम की डिव, सब डिव नाम की वेरिएबल में उस डिव को मैंने कॉल किया, जैसे सूप डॉट फाइंड किया मैंने एक ऐसा डोंट डिव डिव फाइंड किया जिसकी क्लास सब टेक्स्ट है, ठीक है। तो वो डिव कहाँ पे है हम वो अपने वेब पेज पे देखते हैं, हम फिर से जाते हैं यहाँ पे, तो हम पहले ढूंढेंगे कि हमारा जोनर कहाँ पे है वेब पेज पे, तो अगर हम ढूंढे तो जोनर हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे जोनर, पर सिर्फ वो एंकर टैग के अंदर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसका बड़ा डिव कोई ढूंढना पड़ेगा, तो हम बड़ा डिव बड़ी डिव ढूंढे तो वो है डिव टाइटल बार, अगर हम इस पर क्लिक करें और इसके अंदर अगर हम आए तो टाइटल रैपर जिसमें हमें तो अभी H1 टैग में जो है हमारे मूवी का नेम मिला वो भी एक डिव है इसमें, पर उस डिव के अंदर अगर आप और जाओ तो आपको और कुछ डिव मिलेगी, ठीक है। तो उस डिव के अंदर है क्लास जिसकी सब टेक्स्ट नाम की एक डिव है जिसकी क्लास सब टेक्स्ट है, तो उसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रन टाइम है, ठीक है, और थोड़ा नीचे आओगे तो एक एंकर टैग है उसके अंदर जोनर भी है,
ठीक है, ये जोनर है, ठीक है। और उसके नीचे भी अगर आप आओ तो और एक एंकर टैग है जिसके अंदर इस मूवी की रिलीज डेट है 12 मार्च 1971। पर हमें इस एंकर टैग की ज़रूरत नहीं है, हमें जो है फर्स्ट एंकर टैग ही चाहिए। तो हम उसके लिए हम कोड लिख रहे हैं कि हम वो कोड कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो मैंने जो है पहले रन टाइम के लिए कोड लिखा है, फिर हमने जोनर को पॉइंट किया है। तो रन टाइम हम कैसे निकालेंगे, रन टाइम के लिए हमने एक वेरिएबल लिया रन टाइम इक्वल्स टू सब डिव, जो हमारी सब डिव है जिसके अंदर हमने एक डिव फाइंड की सब टेक्स्ट जिसकी क्लास है, ठीक है। तो हमने सब डिव डॉट फाइंड किया, उसके अंदर हमने एक टाइम नाम का टैग ढूंढा, उस पर हमने गेट टेक्स्ट किया और फिर डॉट स्ट्रिप कर दिया, ठीक है। वो कैसे किया हम देखेंगे कि हमने ये देखो ये जो डिव है क्लास सब टेक्स्ट, इसके अंदर हमने एक टैग फाइंड किया टाइम नाम का, ठीक है। और उसके अंदर टाइम, क्योंकि उसके अंदर रन टाइम है इसलिए हमने वो टाइम नाम का टैग को फाइंड किया, उसके ऊपर गेट टेक्स्ट किया है, देन स्ट्रिप किया है ताकि स्ट्रिंग में स्ट्रिंग के फॉर्म में मिल रहा है, और उसके ऊपर स्ट्रिप करने पे जितने भी वाइट स्पेसेस है वो चले जाएंगे, ठीक है। मैं इस कोड को रन करके आपको दिखाता हूँ। पहले हम ऊपर वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब इसके नीचे जो है हमने रन टाइम का जो एक वेरिएबल लिया है, उस वेरिएबल को जो है एग्जीक्यूट करके देखते हैं इस कोड को कि क्या आ रहा है। अगर हम गेट टेक्स्ट किए बिना सिर्फ रन टाइम को करेंगे एग्जीक्यूट, तो देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है। प्रिंट करते हैं स्क्रैप मूवी डिटेल्स, इसमें होगा URL 1। मैं बार बार URL 1 को उस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करूँगा क्योंकि वो पहले से एग्जीक्यूट हो चुकी है। अगर आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे, तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप इसका आउटपुट देखोगे तो टाइम टैग के अंदर जो है 2h 2 मिनट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर गेट टेक्स्ट करते ही हमें 2h 2 मिनट मिल जाएगा, ठीक है। अब हम गेट टेक्स्ट करेंगे, डॉट गेट टेक्स्ट, ठीक है। गेट टेक्स्ट करते ही हमें वो मिल आउटपुट दिखेगा जो हमें चाहिए, ठीक है। पर इसके अंदर हमें वाइट स्पेसेस भी दिखेगी, ठीक है। आप देख रहे हो कि इतनी वाइट स्पेसेस है, ठीक है, यहाँ पे। तो वाइट स्पेसेस की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने उस पर स्ट्रिप चला दिया था, तो मैं फिर से उस पर स्ट्रिप करता हूँ, डॉट स्ट्रिप करते ही आउटपुट चेंज हो जाएगा, सिर्फ 2h 2 मिनट दिखेगा, ठीक है। तो वो आप खुद कर लेना, हम आगे थोड़ा बढ़ेंगे। तो आगे हमने आर्स के लिए, क्योंकि 2h और 2 मिनट दिख रहा है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखो 2h और 2 मिनट, मतलब हमें जो है आर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है, और मिनट्स तो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि अगर आप सरल पे हमारा आउटपुट देखोगे तो जो हमारा रन टाइम जो हमारी की है उसकी वैल्यू जो है एक इंटीजर के फॉर्म में है, और उन्होंने आर्स को मिनट में कन्वर्ट कर लिया और एक जो एक्स्ट्रा मिनट्स है उसको ऐड कर दिया है। तो हम भी वही चीज़ करेंगे, तो ठीक है। हम फिर कोड पे आते हैं, तो कोड अगर हम देखें तो मैंने रन टाइम आर्स लिखा है इक्वल्स टू रन टाइम का ज़ीरो इंडेक्स, ठीक है। तो रन टाइम हमें एक स्ट्रिंग आउटपुट दे रहा है ना, जैसे कि अगर आप देखोगे ये स्ट्रिंग आउटपुट दे रहा है, जिस पे जैसे इस पे स्ट्रिप लगा दोगे तो इसका ज़ीरो इंडेक्स 2 हो जाएगा। हम इसका आउटपुट भी देख लेते ताकि आप इजीली समझ जाओ, ठीक है। तो इसके ज़ीरो इंडेक्स पे 2 है, इसलिए मैंने क्या किया है, ठीक है, इसके ज़ीरो इंडेक्स पे 2 है। अब देखो तो मैंने क्या किया है, रन टाइम का ज़ीरो इंडेक्स इंटू 60 कर दिया, पर वो स्ट्रिंग के फॉर्म में है, तो उस पर अगर मैं इंटू 60 करता हूँ तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 260 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। पर अगर मैं इंट करता हूँ तो 2 इंटू 60 120 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इंट कर दिया।
और इंटू 60 किया है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक कुछ मूवीज़ को ओपन करके देखा, तो जिसमें मुझे दिखा कि मेरे कुछ मूवीज़ में सिर्फ आर्ज ही दिए हुए हैं, कुछ मूवीज़ में मिनट्स नहीं है। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखें पीछे जाके, तो हमारी एक मूवी है ये गोल देख, तो उसमें जो है मिनट्स नहीं है, इसलिए मैं जब कोड अपना रन कुछ ऐसा कोड लिखा ताकि वो मिनट्स ऐड हो जाए, और जब मिनट्स ना हो तो कन्वर्ट करके हमें मिले। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये मिनट्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 आवर्स की है मूवी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो कोड कुछ अलग तरीके से लिखा है, अगर आप देखोगे थोड़ा तो। मैंने इसमें इन सब सब डिव जो है हमारा, अगर इसके अंदर मिनट्स होगा जो, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग हमें दे रहा है बेसिकली, ठीक है। अगर उसके अंदर मिनट्स है तो हम रन टाइम मिनट्स इक्वल्स टू इंट जो है मूवी मूवी रन टाइम का जो है थर्ड इंडेक्स, यानी अगर आप आउटपुट देखोगे तो 0 1 2 में स्पेस है, थर्ड पे 2 है, ठीक है। थर्ड इंडेक्स से आगे जितना भी स्ट्रिंग है उस पर उसको इंट में कन्वर्ट करेगा, पर उससे पहले उसे स्ट्रिप कर देगा मिनट को, इस मिनट को हटा देगा और सिर्फ जितने भी डिजिट्स है उसे रखेगा, यानी ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि मूवी रन टाइम नाम का एक वेरिएबल लिया मैंने, जिसमें मैंने रन टाइम आर्स जो ऊपर से मुझे आर्स मिल रहे कन्वर्ट करके, और रन टाइम मिनट्स को यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है या फिर स्ट्रिंग में मिनट मिल जाता है मिनट नहीं मिलता, तो वो सिर्फ आर्स को मूवी रन टाइम में असाइन कर देगा, यानी उसमें स्टोर कर देगा, ठीक है। तो अब हम इन लाइंस को अपने कोड में चला के देखते हैं इस कोड को, ठीक है। तो फिर से हम अपने कोड पे आते हैं, तो हम पहले रन टाइम आर्स को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम इस इफ कंडीशन को एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद हम इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे, तो हम वन बाय वन लाइन एग्जीक्यूट करेंगे और आखिरी में इसका देखेंगे कि आउटपुट क्या आ रहा है। अगर आप कोड को सही से ढंग से पढ़ोगे ध्यान से, तो आप भी समझ जाओगे कि कोड में हो क्या रहा है, ठीक है। तो वेब स्क्रैपिंग वैसे बहुत इजी है, आप अगर बहुत ही इंटरेस्टली करो तो बहुत मज़ा आता है इसमें। अब हम मूवी रन टाइम को रिटर्न करवा के प्रिंट करके देखेंगे कि क्या हमारा रन टाइम सही आ रहा है, ठीक है। ओके, जैसे मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ, मेरा आउटपुट में आपको दिखेगा कि 120 मिनट्स, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो आनंद मूवी जो है 122 मिनट्स आने चाहिए, 120 क्यों आ रहा है हमें देखना होगा थोड़ा, ठीक है। ये जो है 2 आवर्स 2 मिनट्स, तो हमारी जो है इफ मिनट सिंस अपडेट, ठीक है। तो मैं इसके थोड़ा इस एरर को फाइंड करके फिर हम मिलते हैं, तब तक मैं वीडियो पॉज करता हूँ, ठीक है। तो मैंने कोड में कुछ चेंजेस किए हैं, अगर आप देखो तो यहाँ तक कोड पूरा सेम है यहाँ तक, ठीक है। तो इसके आगे थोड़ा कंडीशन में भी मैंने चेंजेस किए हैं, जैसे मूवी रन टाइम इक्वल्स टू मैंने 0 एक वेरिएबल पहले डिफाइन कर लिया, फिर इफ़ कंडीशन चलाई मैंने मैंने पहले हम जब सब डिव में वो लूप चला रहे थे, तो अब हम रन टाइम में वो लूप चलाएंगे, क्योंकि रन टाइम से हमें वो स्ट्रिंग मिल रही है, ठीक है बेसिकली। तो इफ़ मिनट्स इन रन टाइम, यानी इसके अंदर मिनट्स होगा, मिनट्स की स्ट्रिंग होगी MIN लिखा हुआ, तो ये कोड चलेगा। वो कोड क्या है कि रन टाइम मिनट्स इक्वल्स टू
मैंने क्या किया, रन टाइम का थर्ड इंडेक्स जो हम देख रहे थे कि स्पेस के आगे वो मिनट्स मिल रहे हैं और वहाँ से लेके लास्ट तक, पर उसमें स्ट्रिप कर देगा मिनट को, फिर उसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। फिर मैंने मूवी रन टाइम इक्वल्स टू रन टाइम जो आर्स यहाँ पे हमें मिल रहा है, ठीक है, फिर उसको प्लस कर दिया रन टाइम मिनट से। यहाँ से अगर मिनट होगा तो ये कोड चलेगा, पर ये अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो मूवी रन टाइम इक्वल्स टू रन टाइम आर्स, ठीक है, रन टाइम आर्स मतलब सिर्फ आर्स को जो यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है इंटीजर में वो इसमें असाइन कर देगा और रिटर्न कर देगा मूवी रन टाइम को। तो मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो मुझे 122 मिनट्स मिल रहे, जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है, हमें ये आउटपुट चाहिए था, ठीक है। अगर आप वेब पेज पे जाओ तो आप देखोगे कि 2 आवर्स 2 मिनट, यानी 2 आवर्स यानी 120 मिनट्स और प्लस 2 मिनट्स 122 मिनट्स, ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट सही है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि हमें आगे क्या फाइंड करना है। हमने रन टाइम फाइंड कर लिया, नेम फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करेंगे मूवी का जोनर। तो आपने देखा होगा कि सब डिव में हमने फाइंड ऑल ए किया है, क्योंकि सब डिव से हमने किस डिव को कॉल किया, वो डिव है हमारी ये, कहाँ पर, ये टाइटल रैपर को अगर आप ओपन करोगे इसके अंदर और एक डिव है जिसकी क्लास सब टेक्स्ट है और उसके अंदर हमें जोनर मिल रहा है। तो एक एंकर टैग है और उसके नीचे भी एंकर टैग है। दूसरे एंकर टैग में अगर आप देखोगे तो मूवी की रिलीज डेट है जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, और फर्स्ट एंकर टैग में हमारा मूवी का जो है जोनर है, ठीक है, ड्रामा। तो हम क्या करेंगे, ये लास्ट वाले एंकर टैग को हम फाइंड ऑल कर देंगे तो ये सारे एंकर टैग्स इस लिस्ट में आ जाएंगे और हम उस पर पॉप कर देंगे। तो पॉप करते ही जो लास्ट वाला एंकर टैग है उसमें से पॉप हो जाएगा, तो सिर्फ हम इस एंकर टैग से हम इजीली हमारे जूनर को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोड पे जाए तो हम थोड़ा कोड को समझते हैं। जैसे जूनर इक्वल्स टू सब डिव डॉट फाइंड ऑल ए, तो ऑल करने पे हमें एक लिस्ट मिलेगा। तो देखते कि कैसे हमें लिस्ट मिल रही है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है फिर फाइंड ऑल तभी हम यूज़ करते हैं जहाँ पे मल्टीपल्स मल्टीपल हमें वैल्यूज़ होती है। जैसे एंकर टैग मल्टीपल है इसलिए 2-3 एंकर टैग्स है, इसलिए हमने फाइंड ऑल का वहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। अगर हम रिटर्न करें जोनर को और हम इसे फिर से प्रिंट करके देखें थी क्या आ रहा है आउटपुट, तो आप इजीली देख पाओगे कि हमें एक लिस्ट मिलेगी जिसके अंदर 2 एंकर टैग्स होंगे, ठीक है। ये लिस्ट है, इसके अंदर 2 एंकर टैग्स है, यहाँ पे एक एंकर टैग खत्म हुआ, यहाँ पे एक एंकर टैग, पर हम ये लास्ट वाला जो एंकर टैग है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है उसे हम पॉप करेंगे। अगर आप पॉप फंक्शन के बारे में अच्छे से समझते हो तो पॉप क्या करता है, लिस्ट के आखिरी एलिमेंट को पॉप कर देता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने पॉप का यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। मैं इसे कॉपी करता हूँ और अपने फंक्शन में चलाएंगे हम इन्हें, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इस लाइन को एग्जीक्यूट करूँगा पॉप वाली, ठीक है, यानी वो लास्ट वाला एलिमेंट जो है पॉप हो चुका है। अब मैंने एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज़ करके एक लिस्ट बनाई है, ठीक है, जिसमें मैंने एक लूप चलाया जोनर पे। जोनर से जोनर जो है हमारा एक लिस्ट है, तो उसमें मैंने इजीली लूप चला लिया फॉर आई इन जोनर, जिसमें से एक एक एंकर टैग हमें आएंगे। अब फिलहाल तो हमें एक ही मिलेगा क्योंकि इसमें एक दो ही एंकर टैग थे जिसमें से हमने एक एंकर टैग को तो पॉप कर लिया। तो हम पहले वाले एंकर टैग के लिए डॉट गेट टेक्स्ट करेंगे, तो जैसे ही हम गेट टेक्स्ट करते हैं तो इस लिस्ट के अंदर जो उसके अंदर का स्ट्रिंग है वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है, रिटर्न मूवी जोनर, ठीक है। अगर आप ये इसे फिर से प्रिंट करके देखें, ठीक है, तो ड्रामा, ठीक है, जो हमारा आउटपुट है सरल पे भी सेम आउटपुट आपको दिखाई देगा, ठीक है, ये ड्रामा, ठीक है। और आप अगर रन टाइम का देखो तो 183 मिनट्स है, तो थोड़ा गलती से वो 183 मिनट्स हो गया है, एक्चुअली इसका आउटपुट 122 मिनट्स ही है, ठीक है। जोनर जो एक लिस्ट के अंदर ड्रामा एक स्ट्रिंग है, ठीक है, वही हमारा आउटपुट यहाँ पे हमें मिल रहा है, ठीक है, यानी हमारा कोड सही है। अब हम आगे जाते हैं, तो अब हम आगे मूवी का बायो
और डायरेक्टर जो है फाइंड करेंगे, तो वो कहाँ से मिलेगा हम अपने वेबसाइट पे देखते हैं। उससे पहले कोड में भी समझ लेते हैं कि कैसे, कि समरी नाम का एक वेरिएबल है जिसमें मैंने सूप डॉट फाइंड किया, उस पर हमने एक ऐसी डिव फाइंड की जिसकी क्लास है प्लॉट समरी, ठीक है। तो हम उस डिव को हम यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप वेबसाइट पे जाओ IMDB के, और इस कर्सर को एनेबल करके हम देखेंगे कि कहाँ पे हमारा डायरेक्टर है। तो डायरेक्टर यहाँ पे है जो H4 टैग के अंदर, और एक बायो है जो एक डिव में है समरी टैक्स से, ठीक है। तो हम इस दोनों चीज़ें शायद एक ही डिव के अंदर है, तो वो है प्लॉट समरी, ठीक है। तो हमने वो डिव फाइंड कर ली, एक डिव जिसकी क्लास है प्लॉट समरी, ठीक है। तो वही मैंने अपने कोड में लिखा है कि हमने वो एक डिव फाइंड कर ली, समरी नाम के वेरिएबल में हमने उस डिव को स्टोर किया, सूप डॉट फाइंड करके डिव क्लास प्लॉट समरी, ठीक है। तो मैं इसको अभी इस लाइन को एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, अब आगे कि प्लॉट समरी में भी हमें क्या चाहिए, बायो एंड मूवी का डायरेक्टर। तो हमने पहले मेरे कोड में मैंने क्या किया है, पहले डायरेक्ट मूवी का बायो फाइंड किया, देन हमने डायरेक्टर को फाइंड किया है, ठीक है। तो मूवी के जो बायो है उसको हम स्क्रैप करेंगे पहले। तो अगर उसको स्क्रैप करेंगे तो पहले हमें डिव मिल रहा है समरी टेक्स्ट, जिसके अंदर अगर आप ओपन करोगे तो एक स्ट्रिंग के अंदर जो है, इस डिव के अंदर जो स्ट्रिंग है इसके अंदर मूवी का पूरा बायो है। तो वो डिव है क्लास समरी टेक्स्ट। तो हम इसके लिए अब कोड लिखेंगे। तो मैंने लिख रखा है कोड, अगर आप देखो तो मूवी बायो नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर समरी जो बड़ी डिव है हमारी, उसमें फाइंड की हमने एक ऐसी डिव जिसकी क्लास समरी टेक्स्ट है, और उस पर गेट टेक्स्ट करके डॉट स्ट्रिप किया ताकि जितने भी वाइट स्पेसेस है वो चले जाए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आओ और हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और हम रिटर्न करेंगे मूवी बायो को, और अब अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमें आउटपुट में वो बायो मिल जाएगा मूवी का, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो हमें वो आउटपुट में ये बायो मिल गया है। अगर हमारे वेब पेज से बायो हम मैच करके देखें तो सेम होगा। द स्टोरी ऑफ द टर्मिनली इल मैन हु विशेज टू लिव लाइफ, ठीक है। द स्टोरी ऑफ टर्मिनली इल मैन हु विशेज टू लिव लाइफ। तो ये सेम बायो हमने यहाँ पे स्क्रैप कर लिया है, ठीक है। तो अब हम मूवी के जो है डायरेक्टर्स को स्क्रैप करने का कोड लिखेंगे। तो अब हम हमारा कोड देखते हैं कि हमने डायरेक्टर्स को स्क्रैप करने के लिए क्या कोड लिखा है। तो मैंने यहाँ पे, अगर हम कोड पे आए तो आप देखोगे कि ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टर समरी जो है, डायरेक्टर इक्वल्स टू हमने समरी डॉट फाइंड किया है। तो हमने एक ऐसी डिव फाइंड की है जिसकी क्लास है क्रेडिट समरी आइटम, ठीक है। तो हम उस डिव को हमारे वेब पेज पे फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम इस प्लॉट समरी में हैं जिसके अंदर हमने देखा था कि डायरेक्टर्स भी हैं और बायो भी है। तो हमने बायो तो फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड कर रहे हैं डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स जो है क्रेडिट समरी आइटम्स, ठीक है। तो उसके अंदर एक H4 टैग है, उसके अंदर डायरेक्टर लिखा हुआ है, पर जो एंकर टैग है उसके अंदर ऋषिकेश मुखर्जी है। तो हम पहले इस डिव को डिव की मदद से हम इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे। तो इसकी क्लास है क्रेडिट समरी आइटम, जो कि मैंने यहाँ पे हमारे कोड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्टर इक्वल्स टू समरी फाइंड डिव क्लास क्रेडिट समरी आइटम। तो हम इस लाइन को कॉपी करते हैं और अपने कोड पे चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई है। तो हमने क्या किया है कि डायरेक्टर लिस्ट नाम का एक वेरिएबल लिया, फिर उसमें डायरेक्टर डॉट फाइंड ऑल किया, और उसके अंदर के सारे एंकर टैग्स को हमने ढूंढा, ठीक है। तो हमने एक लिस्ट मिल गई उसके अंदर, ठीक है। तो जैसे अगर इसमें जाए तो आप देख रहे हो कि इस क्लास के अंदर जो है क्रिएट समरी, ठीक है, इस डिव के अंदर
जो है हमारी फर्स्ट ईव क्रेडिट समरी आइटम, तो इसके अंदर जो डायरेक्टर है इसके अंदर एक एंकर टैग है, तो हमने सारे एंकर टैग्स, क्योंकि एक मूवी में अभी यहाँ पे एक ही डायरेक्टर का नाम है इसलिए एक ही एंकर टैग है, पर जैसे तारे ज़मीन पर ऐसी मूवीज है जिसमें हमें दो तीन डायरेक्टर्स मिलेंगे यानी दो तीन एंकर टैग्स मिलेंगे, इसलिए हमें फाइंड ऑल करना होगा। तो मैंने फाइंड ऑल किया है यहाँ पे डायरेक्टर लिस्ट, डायरेक्टर फाइंड ऑल एंकर टैग, ठीक है। तो इस लाइन को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये कोड एग्जीक्यूट हो चुका है। फिर मैंने क्या किया है कि मल्टीपल्स डायरेक्टर होने की संभावना है, इसलिए हमने क्या किया है मूवी डायरेक्टर्स नाम का जो वेरिएबल है उसमें लिस्ट में लिस्ट कॉम्प्रेशन करके हमने जो यहाँ पे लिस्ट फाइंड की है फाइंड ऑल करके ऊपर डायरेक्टर लिस्ट की, उसके ऊपर एक लूप चलाया फॉर आई इन डायरेक्टर लिस्ट। तो आप ये ध्यान से देखोगे तो ये लिस्ट कॉम्प्रेंशन है, ठीक है। फिर मैंने आई डॉट गेट टेक्स किया और उस पर स्ट्रिप कर दिया ताकि अगर वाइट स्पेस मिलेंगे एंकर टैग के अंदर भी तो वाइट स्पेस निकल जाए और गेट टेक्स से हमें एंकर टैग के अंदर का जो भी डेटा है वो मिले। तो वो हम देखते हैं कि कैसे, क्या हम प्रॉपर कोड लिख रहे हैं या नहीं। तो मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो अब हम इसको रिटर्न करवा के देखते हैं कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जैसे हम इसे प्रिंट करेंगे, अगर आप देखो तो हमने रिटर्न किया है मूवी डायरेक्टर्स को, तो ये मूवी का डायरेक्टर आ गया ऋषिकेश मुखर्जी। तो सरल पे अभी सेम आउटपुट है, सरल पे अगर हम जाके देखें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऋषिकेश मुखर्जी जो डायरेक्टर का नाम है, तो हमने नेम, डायरेक्टर, बायो, रन टाइम फाइंड कर लिया हमें, कंट्री, लैंग्वेज और हमने जोनर भी फाइंड कर लिया। तो अभी हमें पोस्टर, इमेज, यूआरएल, कंट्री और लैंग्वेज, ये तीन चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है, और इन तीन चीज़ों को स्क्रैप करना है बेसिकली। तो अब हम कंट्री और लैंग्वेज को स्क्रैप करेंगे और उसमें हम पहले लैंग्वेज को स्क्रैप करेंगे फिर हम कंट्री को स्क्रैप करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल लिया एक्स्ट्रा डिटेल्स नाम का, जिसके अंदर हमने सूप डॉट फाइंड किया है एक ऐसी डिव को जिसके एट्रीब्यूट्स है क्लास और आईडी, ठीक है, उसकी क्लास है आर्टिकल, उसकी आईडी है टाइटल डिटेल। तो हम ऐसी ऐसी एट्रीब्यूट्स ढूंढते हैं या फिर एक ऐसी डिव ढूंढते हैं जिसमें क्लास भी है और आईडी भी है, ठीक है, जहाँ पे हमें लैंग्वेज और कंट्री मिलेगी। तो हम पहले अपने वेब पेज पे जाते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे हमें लैंग्वेज और कंट्री मिल सकती है। अब हम नीचे आए तो देख रहे हैं कि यहाँ पे कंट्री और लैंग्वेज लिखा हुआ है, अगर हम कर्सर को एनेबल करें तो और इस डिव पे जाएं तो हमें, ठीक है, एक बड़ी डिव है जिसके अंदर डिटेल, बॉक्स ऑफिस, ये सारी चीज़ें, तो हमें सिर्फ डिटेल्स के अंदर कंट्री लैंग्वेज की ज़रूरत है। तो हम इस डिव को एक्सेस करेंगे, तो इस डिव पे जैसे हमने देखा कि डिव जिसकी क्लास आर्टिकल है और आईडी है टाइटल, टाइटल डिटेल्स, ठीक है, और हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक्स्ट्रा डिटेल्स नाम का एक वेरिएबल है जिसमें सूप डॉट फाइंड ऐसी डिव जिसके दो एट्रीब्यूट्स है, एक क्लास है और आईडी, ठीक है, इसलिए एट्रीब्यूट्स के लिए ATRS एट्स और उसके अंदर डिक्शनरी के अंदर क्लास की और इसकी वैल्यू आर्टिकल आईडी भी टाइटल डिटेल्स, ठीक है। तो हम इस लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई फिर इसके बाद हमने क्या किया कि जैसे हम इसको अगर रिटर्न करवा के देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी, स्टीव के अंदर जितनी भी चीज़ें उन सारी चीज़ें आपको मिलेगी। पर अगर आप देखो ध्यान से तो इसमें कुछ ऐसी डिव्स है जिसकी क्लास सेम है, टेक्स्ट ब्लॉक, टेक्स्ट ब्लॉक, टेक्स्ट ब्लॉक, टेक्स्ट ब्लॉक, तो ठीक है, टेक्स्ट ब्लॉक के अंदर क्या है। तो अगर आप देखो कि पहले टेक्स्ट ब्लॉक में कंट्री है, दूसरे टेक्स्ट ब्लॉक में लैंग्वेज है, तो हमें क्या करना होगा, अब हमें इन टेक्स्ट ब्लॉक्स नाम के डिव्स को एक्सेस करना होगा यानी स्क्रैप करना होगा बेसिकली। तो मैंने क्या किया है उसके लिए कि मैंने लिस्ट ऑफ डिव्स, तो लिस्ट ऑफ डिव्स फाइंड किए जिसमें एक्स्ट्रा डिटेल्स के अंदर जितने भी डिव्स है ना उन सारे डिव्स की एक लिस्ट बना ली फाइंड ऑल करके, ठीक है। तो मैं ये कोड चलाता हूँ, लिस्ट इसलिए बनाई क्योंकि आप अगर आप देखोगे तो बहुत सारे डिव्स है, इसलिए हमें एक लिस्ट के अंदर इन सारे डिव्स को हमने स्टोर कर लिया है बेसिकली। तो हमने फिर क्या किया है, उन फाइंड आउट करते ही हमें लिस्ट मिली, फिर हमने उस पर एक लूप चलाया फॉर डिव इन लिस्ट ऑफ डिव्स, ठीक है। तो हमने वो लूप चलाया और उसमें हमने क्या किया, पहले H4 टैग को फाइंड किया,
तो फाइंड ऑल एच फोर टैग्स हर डिव के अंदर, जैसे अगर इस डिव के अंदर हम जाए तो आपको एच फोर टैग मिलेगा कंट्री नाम का, और इसके अंदर है एंकर टैग, तो हर डिव में एक एक एच फोर टैग है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, फाइंड ऑल किया एच फोर टैग, तो हमने उस एच फोर टैग पे फिर से एक लूप चलाया फॉर टेक्स्ट इन एच फोर टैग। अगर उस टेक्स में अगर लैंग्वेज लिखा होगा, जैसे अगर एच फोर टैग पे जाओ, ठीक है, यहाँ पे, तो अगर इसमें लैंग्वेज लिखा है, तो अगर लैंग्वेज लिखा होगा तो हम क्या करेंगे, उस डिव के अंदर ही जो सारे एंकर टैग्स को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और सारे एंकर टैग्स को फाइंड करके यहाँ पे फिर से मैंने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन किया मूवी लैंग्वेज नाम के एक वेरिएबल में फॉर लैंग्वेज इन टैग एंकर, ठीक है। यहाँ से हमें सारे एंकर टैग की लिस्ट मिली फॉर लैंग्वेज इन टैग एंकर, और हमने उस लैंग्वेज पे गेट टैग्स किया। गेट टैग्स करते ही हमें सारे जो लैंग्वेज है, यहाँ पे हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, जो भी है वो मिल जाएगी, ठीक है। हम वन बाय वन लाइन एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये लिस्ट ऑफ डिव्स, जहाँ से हमें एक लिस्ट मिलेगी, ठीक है। तो शायद ये मैंने कर रखा है पहले, तो नीचे वाली लाइन को हम एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद टैग एच फोर, ठीक है, फिर उसके बाद फिर से ये फॉर टेक्स्ट इन टैग एच फोर, कि हम टेक्स देखेंगे कि पहले क्या वो लैंग्वेज लिखा हुआ है या फिर कंट्री लिखा हुआ है, तो हम उसके अंदर के सारे एंकर टैग्स भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो आप कोड को ध्यान से पढ़ोगे और समझोगे तो आप इजीली समझ जाओगे कि मैंने किया क्या है, ठीक है। मूवी लैंग्वेज, ठीक है, तो हमें यहाँ पे मैंने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन किया ताकि हम इजीली जो है मूवी लैंग्वेज को एक लिस्ट में अपेंड करवा सके। अगर आप आउटपुट भी देखोगे तो वो मैं आपको इसको रिटर्न करवा के दिखाता हूँ कि मूवी लैंग्वेज में क्या रिटर्न हो रहा है, ठीक है। रिटर्न मूवी लैंग्वेज, ठीक है। और अगर हम मैं इसे प्रिंट करूँ, तो अगर आप कोड को मैं थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ आपको, बड़ा करके टर्मिनल को, ठीक है, तो हिंदी, ठीक है, यहाँ पे आया हिंदी जो हमारी लैंग्वेज है, ये यहाँ पे हिंदी, ठीक है। तो वैसे हम कंट्री को भी फाइंड करेंगे सेम चीज़ करके, सिर्फ इफ़ कंट्री इन टेक्स्ट होगा तो सारे हम एंकर टेक्स्ट फाइंड कर लेंगे, फिर उस कंट्री को हम एक लिस्ट में या फिर स्ट्रिंग में डाल देंगे। जैसे यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है कि एलिफ कंट्री इन टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट में कंट्री होगा, जैसे अगर आप इस मूवी के इस पे जाओ तो आपको दिखेगा यहाँ पे एच फोर टैग के अंदर टेक्स्ट है कंट्री, कंट्री अगर है तो इसी डिव के अंदर होकर करेगा एंकर टैग को फाइंड करेगा, तो एंकर टैग को फाइंड करके उसके ऊपर गेट टेक्स्ट कर देगा, ठीक है। सो हमने क्या किया, कंट्री इन टेक्स्ट टैग एंकर डिव डॉट फाइंड ऑल एंकर टैग्स, सभी एंकर टैग्स को फाइंड करेगा, फिर देन मूवी कंट्री इक्वल्स टू, मैंने जॉइन मेथड को यूज़ किया क्योंकि अगर हम सरल पे देखें तो हमें कंट्री जो है एक स्ट्रिंग के फॉर्म में चाहिए, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्म में चाहिए, और लैंग्वेज लिस्ट के फॉर्म में था इसलिए लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन करके हमने इसे लिस्ट के फॉर्म में लाया, पर यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग के फॉर्म में चाहिए, तो हमने यहाँ पे फिर से लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन करके फिर उस पर जॉइन मेथड किया है, ठीक है। तो फाइंड ऑल, क्योंकि फाइंड ऑल करने से हमें एक लिस्ट मिलेगा, तो लिस्ट में से हमें एक एक एलिमेंट निकालना होगा फॉर लूप लगा के, तो मैंने उसको लिस्ट में ही निकाल लिया, फिर उसके ऊपर जॉइन मेथड कर लिया, ठीक है। तो फॉर कंट्री इन टैग एंकर, तो हमने फिर कंट्री पे गेट टेक्स्ट किया, फिर उसे जॉइन करके हमने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। हम इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं वन बाय वन लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आए अलिफ, अलिफ में है हमारा ये, ठीक है, उसके बाद टैग एंकर, ये फिर से हम मूवी कंट्री को इस वेरिएबल को रिटर्न करवा के देखते हैं क्या हमें कंट्री प्रॉपरली मिल रही है स्ट्रिंग के फॉर्म में या नहीं मिल रही है, ठीक है। रिटर्न मूवी
कंपाइलेशन एरर, ठीक है। अब जैसे ही मैं अभी इसको प्रिंट करवाऊंगा, ठीक है, जैसे मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आप देखोगे कि इंडिया एक स्ट्रिंग के फॉर्म में आ गया है, ठीक है, जो हमारा आउटपुट भी है स्ट्रिंग में। और अगर आप देखोगे तो इस पे भी इंडिया जो है लिखा हुआ है, ठीक है। सो हमारा ये कोड सही चल रहा है, ठीक है। शायद मैं सरल क्लोज हो गया, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें आगे क्या करना है कि हमने लैंग्वेज भी फाइंड कर ली, अभी हमें लास्ट जो चीज़ है हमारी पोस्टर इमेज यूआरएल, मूवी का जो पोस्टर इमेज का जो है यूआरएल हमें वो फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, मूवी पोस्टर लिंक नाम का एक वेरिएबल लिया, जिसमें से मैंने सूप डॉट फाइंड किया एक ऐसी डिव को जिसकी क्लास है पोस्टर, और उसके अंदर के एंकर टैग के एच आर ई एफ जो है एट्रीब्यूट, उस एट्रीब्यूट को मैंने एक्सेस की करने की कोशिश किया। तो हम देखते हैं कि पोस्टर कहाँ पे है, मूवी का ये है मूवी का पोस्टर, ठीक है। तो अब हम इस ब्लॉक इस पर हम क्या करेंगे, ढूंढेंगे कि कौन से डिव के अंदर है, ठीक है। तो अगर हम इसके इमेज पर ही डायरेक्ट क्लिक करें तो आपको इजीली, थोड़ा अगर आप ऊपर जाओ तो आपको एक डिव मिलेगी क्लास पोस्टर, ठीक है, जिसके अंदर एक एंकर टैग है, एंकर टैग के अंदर ये इमेज है, और साथ ही साथ इसके अंदर ये लिंक है, ठीक है। अगर इस लिंक को अगर आप यहाँ पे ओपन करोगे तो डायरेक्ट ये इमेज ओपन हो जाती है पोस्टर, ठीक है। तो यानी हमें इस लिंक को यहाँ से निकालना है बेसिकली। तो मैं क्या करूँगा, इस डिव के अंदर जाके जिसकी क्लास है पोस्टर, तो उसके लिए मैंने कोड लिखा है मूवी पोस्टर लिंक इक्वल्स टू सूप डॉट फाइंड ऐसी डिव जिसकी क्लास है पोस्टर, और उसके अंदर के एंकर टैग के एच आर ई एफ एट्रीब्यूट है, ठीक है। ये एच आर ई एफ एट्रीब्यूट इसके अंदर की जो ये डेटा है मैं इसके स्क्रैप करना है। तो जैसे ही मैं लाइन एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। तो मैं रिटर्न करूँगा मूवी पोस्टर लिंक। तो अगर आप देखोगे तो एक हमें स्ट्रिंग मिलेगा इसमें, ठीक है। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो हमें एक स्ट्रिंग मिलेगा, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, अभी अब लिंक नहीं है, हमें इसे लिंक में कन्वर्ट करना होगा, एक यूआरएल के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो यूआरएल तब कन्वर्ट हो पाएगा अगर आप इस पोस्टर की लिंक प्रॉपरली देखो, तो आपको दिखेगा ये टाइटल जो हमारा दिख रहा है ना यहाँ पे, टाइटल के आगे फॉरवर्ड स्लैश टाइटल, तो यहाँ पे भी है फॉरवर्ड स्लैश टाइटल, ठीक है ये। पर उसके आगे कुछ और भी यूआरएल है या फिर लिंक है, वो है आईएमडीबी की यूआरएल https://. तो हमें इसको ऐड करना होगा। तो हम कैसे ऐड करेंगे वो देखते हैं। तो मैंने क्या किया, एक मूवी पोस्टर नाम का एक वेरिएबल लिया, जिसमें मैंने क्या किया इक्वल्स टू एचटीटीपी जो हमारा ये है ना, यहाँ से मैंने इस लिंक को उठा के कॉपी किया, ठीक है, इतना कॉपी कर लिया, और यहाँ पे मैंने उसको एक स्ट्रिंग में डाल दिया और प्लस कर दिया, क्योंकि यहाँ से भी हमें स्ट्रिंग मिल रही है। तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे हमारी पूरी यूआरएल बन जाएगी, तो वो करके देखते हैं हम। ठीक है, तो अब हम इसको रिटर्न करवा के देखते हैं क्या हमारा अभी भी स्ट्रिंग के फॉर्म में आ रहा है या यूआरएल के फॉर्म में आ रहा है, वो हम देखेंगे जो आउटपुट है। अगर हम इसे प्रिंट करवाएं, ठीक है, तो हमें एक लिंक मिलेगी, ठीक है, आप देख सकते हो लिंक है। अगर जैसे आप इस पे ले जाओ तो अंडरलाइन दिखती है, अगर आप इस पे ले जाओ तो कुछ भी नहीं दिखेगा, कर्सर को अगर ले जाओ तो ये एक स्ट्रिंग है और एक यूआरएल है बेसिकली। अगर राइट क्लिक भी अगर आप इस पे करोगे तो आपको ओपन लिंक करके ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, पर उस पे राइट क्लिक नहीं हो पाएगा। अगर कर भी दोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको ओपन लिंक नाम का, ठीक है। यानी हमारा ये कोड सही है। अब हमने पोस्टर इमेज यूआरएल ये सारी चीज़ें तो निकाल ली है। जैसे अगर हम सरल पे देखें वेब स्क्रैपिंग के कोर्स में,
जो हमारा टास्क फोर है, अगर इसका हम आउटपुट देखेंगे तो इसका आउटपुट में देखो हमने नेम निकाल लिया, डायरेक्टर, कंट्री, लैंग्वेज, पोस्टर इमेज, यूआरएल, बायो, रन टाइम, जोनर, ये सारी चीज़ें निकाल ली। अब हमारा पूरा जो है टास्क कंप्लीट होने होने वाला है, हमें सिर्फ आउटपुट को इस पैटर्न में प्रिंट करवाना है, जितने भी चीज़ें हमने स्क्रैप की है उसको इस पैटर्न में प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम अपने कोड में जाते हैं। तो मैंने क्या किया, एक मूवी डिटेल टिक नाम की एक डिक्शनरी बनानी, जिसके अंदर मैंने सारी कीज़ लिख दी, नेम, डायरेक्टर, बायो, रन टाइम, जोनर, लैंग्वेज, कंट्री, पोस्टर इमेज, यूआरएल, ठीक है। तो और अब हर की के लिए मैंने कुछ वैल्यूज़ असाइन कर ली, जैसे नेम के लिए मूवी नेम, डायरेक्टर के लिए मूवी डायरेक्टर्स, बायो के लिए मूवी बायो जो हमने ऊपर फाइंड कर लिया है, या फिर जोनर के लिए मूवी जोनर, रन टाइम के लिए मूवी रन टाइम, ठीक है। ये सब वेरिएबल्स आपको यहाँ पे ऊपर मिलेंगे जहाँ पे हमने इसकी वैल्यूज़ को स्टोर कर रखा है इस वेरिएबल्स में, लैंग्वेज के लिए मूवी लैंग्वेज, कंट्री के लिए मूवी कंट्री, पोस्टर इमेज के लिए मूवी पोस्टर। तो अगर और लास्ट में अगर हम इस मूवी डिटेल डिक को अगर रिटर्न करवाते हैं, हमें इस पैटर्न में आउटपुट मिलेगा। तो मैं एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करता हूँ और हम फाइनल में देखते हैं कि हमारा आउटपुट प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम फाइनली हम पहुँच चुके हैं, या फिर हमारा कोड यहाँ पे ख़त्म होगा, ठीक है। और मैं नेक्स्ट लाइन को भी एग्जीक्यूट करता हूँ, एक एक लाइन एग्जीक्यूट करता हूँ ताकि आप समझ जाओगे इजीली। सिर्फ अगर आपको अच्छे से डिक्शनरी आती है तो आप इस प्रोसेस को भी आप इजीली समझ जाओगे कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हर की के लिए कुछ वैल्यूज़ असाइन कर दी जो हमने फाइंड कर रखी है पहले से ही। मैं एक एक लाइन कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ, आप भी खुद से ट्राई करना कि क्या हमने जो आउटपुट किया है या फिर जो हमने चीज़ें फाइंड की है वो सही से स्क्रैप हो पा रही या नहीं हो पा रही। इसलिए हमने इस डिक्शनरी के अंदर सारी जो भी डेटा है सारा डेटा इसको स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, ये लास्ट लाइन हमने एग्जीक्यूट कर ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे इस डिक्शनरी को, ठीक है। ये रिटर्न हो चुकी है डिक्शनरी। अब हम इसको फंक्शन को कॉल करके हम अपना आउटपुट निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं प्रिंट लिखूँ स्क्रैप मूवी डिटेल्स, और मैं अगर इसमें URL 1, ठीक है, इसे करूँ तो आपको आउटपुट में सेम डिक्शनरी मिल जाएगी जो हमारे सरल पे है। तो नेम आनंद, डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी, बायो, ठीक है, स्टोरी ऑफ टर्मिनली इल मैन हू विशेस टू लिव लाइफ फुल, ठीक है, ये सारी चीज़ें, रन टाइम, या फिर लैंग्वेज, पोस्टर इमेज, URL, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ईजिली स्क्रैप कर ली है। तो यही पे हमारा टास्क फोर ख़त्म होता है। Thank you for watching.